बी कंपार्टमेंट की क्लास में आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे, है ना? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट में एस आई कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। बहुत ही आसान चैप्टर है और ये आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसकी भूमिका पे बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की क्या भूमिका रही है, ठीक है। ये आज के जमाने में, आज के दौर में एक प्रकार का बिजनेस है, एक तरह का धंधा हो गया है कि एक दूसरे की मदद के तौर पर हम उससे इनकम कमाते हैं, ठीक है। पहले पुराने जमाने में क्या होता था, मदद की बात होती थी तो लोग वस्तुओं से मदद करते थे, लेकिन जब जब से धीरे धीरे पैसे का मुद्रा का विकास हुआ, पैसे का विकास हुआ, तो जब इंसानों की मदद पैसों से करने लगा तो वो कोशिश ये करने लगा कि हम उस पैसे से भी कुछ अर्निंग कमाएं, ठीक है, अर्न करें। तो वहां से ब्याज का विकास हुआ, ब्याज के नाम का विकास हुआ कि हाँ हम तुम्हारी मदद तो करेंगे लेकिन मुझे इस पैसे के बदले में, ठीक है, जैसे मैंने तुमको 10,000 रुपया दिया तो इसके बदले में मुझे ऊपर से कुछ पैसा चाहिए, 10,000 तो चाहिए ही, ठीक है, ये 10,000 तो मुझे चाहिए ही लेकिन मुझे ऊपर से कुछ पैसा चाहिए, ठीक है। तो कैसे, कितना पैसा चाहिए भाई, क्या करोगे, कितना चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए, 400 चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, 400 चाहिए, 500 चाहिए, क्या चाहिए। तो यहाँ से धीरे धीरे विकास हुआ रेट का, ठीक है, किसका विकास हुआ, रेट का। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज समझना है वो है रेट, ठीक है, दर, कि किस दर से ब्याज चाहिए, ठीक है। आज भी बैंक की बात करते हो, नॉन फाइनेंशियल बैंक की बात करते हो, ठीक है, तो ये सारी जो संगठन है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी जो संस्थाएं हैं जो ब्याज लगाती है, सबसे पहले आदमी उसका रेट चेक करता है, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात है कि रेट की बात सबसे पहले कर लीजिए आप, ठीक है। रेट क्या होता है, रेट जो होता है वो पर एनम के हिसाब से होता है जनरली, ठीक है। जनरली आपको रेट पर एनम के हिसाब से देखने को मिलेंगे, जैसे 10% पर एनम का मतलब प्रति वर्ष 10%, है ना, 20% पर एनम, ठीक है, 5% पर एनम, है ना, 2% पर एनम, ठीक है, राइट ना, 3% पर एनम। इसका मतलब यह है कि आपको जो पैसा हम देंगे, अगर हम इस रेट की बात कर लें तो आपको जो हम उधार देंगे वो पैसा तो मुझे वापस चाहिए, इसके अलावा हर साल मुझे 5% उसका साधारण ब्याज चाहिए, ठीक है, बात को समझिएगा, हर साल मुझे 5% साधारण ब्याज चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको 10,000 रुपया उधार देता हूं तो इसका 5% मुझे, 5% का मतलब, परसेंट का मतलब 100 होता है, प्रति 100, 5% मुझे काट दीजिए, 500 रुपया और चाहिए। तो ये क्या है, ये है ब्याज, ठीक है, 500 क्या है, ब्याज है, ठीक है, बात को समझना, क्या है ये, ब्याज है, ये 500 क्या है, ब्याज है। ये जो उधार आपने दिया पैसा, ये मूलधन था, मूलधन मतलब मूलधन क्या है, ठीक है, जो मूल है वो क्या है, मूल है वो क्या है, मैंने कितना दिया पैसा, 10,000 रुपया दिया, यही मूल है। इसका 5% मुझे प्रति साल ब्याज चाहिए, एक साल हो गया, यहाँ पर एक साल कहने का मतलब प्रति साल का, पर एनम का मतलब एक साल का, ठीक है, एक साल का, पर एनम का मतलब एक साल का। अब यहां से टाइम की बात तब आएगी जब इससे बढ़ेगा, अगर ये एक साल का हो गया तो बात खत्म, अगर हम बात करें 2 साल का तो इसी में 2 से डिवाइड कर गुना कर देंगे, 3 साल की बात करेंगे तो 3 से गुना करेंगे, 4 साल की बात करेंगे तो 4 से गुना करेंगे, 5 साल की बात करेंगे तो 5 से गुना करेंगे। कहने का मतलब यह है कि टाइम को मल्टीप्लाई में लेते चलना है, अगर वो 1 साल से ज्यादा बढ़ेगा तो। कहने का कुल मिला के मतलब है कि ये है 1 साल का ब्याज, 5% का मतलब 1 साल का ब्याज। अब 1 साल से अगर 2 साल में जाना है तो 1 साल को 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 2 साल का ब्याज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर साधारण ब्याज जो निकालना है, ठीक है, वो सिंपल सा तरीका है साधारण ब्याज निकालने का, बहुत सिंपल है। और प्यारे बच्चों मैं आपको एक ही रूल, अच्छा ये रूल नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया,
जब आदमी अपने मूलधन पे पैसा कमाना चाहता है तो उस पर एक रेट फिक्स करता है। क्या फिक्स करता है? रेट फिक्स करता है, ठीक है। आप उस रेट पर जो पैसा उसे अर्न होता है, जो आय अर्न होता है, कहीं कहीं पर आपको ब्याज की जगह पर कहेगा आय निकालिए, तो आप समझ जाइएगा कि ये वो आदमी है जो अपने पैसे पर कमाना चाहता है ब्याज, ठीक है। तो आय का मतलब ही ब्याज हो गया, बात समझ गए। तो साधारण ब्याज का जो एसआई का सीधा सीधा जो सूत्र है वो सीधा तौर पे हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज पहले हिंदी में लिख देते हैं, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज का मतलब होता है जो मूलधन होगा, मूलधन जो होगा, जो पैसा आप उधार देंगे, ठीक है, जो मूलधन होगा उसका जो दर होगा, दर भागे 101 साल का हो गया। मैंने समझा दिया आपको, पर एनम होता है जनरली। अब इसीलिए इसमें अगर 2 साल का रहेगा तो 2 से डिवाइड कर गुना कर दीजिएगा, मतलब समय से गुना कर देना होगा। लेकिन सर एक बात मुझे बताइए कि ये तो सालाना हो गया, ईयरली की बात चल रही है, दर भी ईयर है, ईयर में है ये, समय भी ईयर में, 1 साल का ये हुआ, ये 1 साल, ये पार्ट 1 साल का हुआ। अब 2 साल का होगा तो 2 से गुना करेंगे, 3 साल का होगा 3 से गुना करेंगे, 4 साल का होगा 4 से गुना करेंगे। लेकिन सर 6 महीने का होगा तो क्या करोगे, ठीक है। तो 6 महीने का होगा अर्थात ये मंथ में जाएगा, तो समय अगर मंथ में रहेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ समय क्या है, समय क्या किसमें लिया मैंने, यहाँ समय मैंने वर्ष में लिया, ठीक है। अगर समय मंथ में रहेगा, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, समय अगर मंथ में रहेगा, महीने में रहेगा, ठीक है, महीने में होगा, तो ये तो 1 साल का हुआ। अब 1 साल से हमको महीने में जाना है, मतलब आधे साल में जाना है, तीन महीने में जाना है, 6 महीने में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, जो समय आपके पास रहेगा, टाइम जो समय रहेगा, उसमें आप 12 से भाग कर देना। इससे क्या पता चल जाएगा कि 12 महीने का ही इतना समय, मतलब वो सालाना तब्दील हो जाएगा, ठीक है। जैसे 6 मंथ का अगर रहेगा तो 6 मंथ लिखिएगा, 6 मंथ की जगह लिखिएगा 6 भागे 12, ठीक है, 6/12, ठीक है। ये इसको हम लोग ईयर कह देंगे, ठीक है, मतलब 12 महीने का 1 साल होता है, तो 12 से डिवाइड कर दीजिएगा 6 में, ठीक है, जो महीना रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर ये समय आपको महीने में रहेगा, नोट 1 करके लिख दीजिएगा, है ना, अगर ये समय, ये तो रहा साल भर का, ईयर के हिसाब से रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सेम बैठा देंगे। अगर ये समय महीने में रहेगा तो आपको 12 से भाग देना। अच्छा सर, कभी कभी दिन में भी आ जाता है, समय अगर दिन में रहेगा तो क्या करेंगे, दिन में रहेगा तो क्या करेंगे, मतलब डेज के रूप में रहेगा तो क्या करना है, तो आपको समय में, जो समय आपको दिया रहेगा दिन में, उसमें आप 365 से भाग लगा देना, जो समय दिया रहेगा दिन के रूप में, ठीक है, डेज के रूप में रहेगा, दिन के रूप में रहेगा, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या करना, 365 से विभाग कर, बात खत्म। तो कुल मिलाकर रेट पहले चेक करना, मूलधन चेक करना, और फिर लास्ट में समय चेक करना, ठीक है। रेट को इस तरह बैठाना, मूलधन में रेट का निकाल देना, इतना परसेंट ये साल भर का हुआ, और ये समय से गुना कर देना, ठीक है, बहुत आसान है। इसके अलावा कोई सूत्र मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। अच्छा सर, इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बार बार हम हिंदी में लिखे दिक्कत की बात है, आप इसका इंग्लिश बता दो इसको क्या कहेंगे। तो साधारण ब्याज को आप लिखना ऐसा ही है ना, मूलधन को लिखना प्रिंसिपल, ठीक है, और प्रिंसिपल को पी से सूचित करते हैं, तो पी का मतलब मूलधन हो गया। दर के जगह पर आर लिखना, लिखना आसान होगा, और समय के जगह पर टी लिखना, ठीक है, और मैंने कहा कि टी के जगह पर टी भागे 12 भी हो सकता है, टी भागे 365 भी हो सकता है, ये तब होगा जब महीने में और दिन में रहेगा। टी ये वाला रहेगा, ये हो गया 1 साल का, 2 साल का रहेगा तो सीधे 2 से गुना करेगा, 6 महीने का रहेगा तो 6 भागे 12 से गुना करेगा, अगर और अगर मान लो कि 219 दिन का रहे, 10 दिन का रहे, 50 दिन का रहेगा तो 50 भागे 365 से गुना करेगा। इज इट क्लियर? हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, एसआई की भूमिका भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमको कोई सूत्र नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, इस चैप्टर में इसके अलावा कोई सूत्र नहीं पढ़ना है। जहां जहां क्वेश्चन आएगा वहां वहां मैं आपको बताऊंगा कि फिर से वही सूत्र याद करो और इसी सूत्र से वो सूत्र निकालना है, ठीक है, इसीलिए बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना। अब एक बात कर लेते हैं, एक बात और ये कर लेते हैं, ये तो रहा ब्याज की बात, और यह रहा मूलधन की बात, मतलब प्रिंसिपल की बात रहा, ठीक है।
कि प्रिंसिपल और ब्याज की बात हो गई कि सर मूलधन देंगे, बड़े सीधे से सवाल है कि हम उधार देंगे, उधार पे जो ब्याज बनेगा वो ब्याज लेंगे, बात खत्म। लेकिन कई बार क्या होगा कि आपको कहेगा पूरा हिसाब करो, मतलब टोटल हिसाब करो। टोटल हिसाब का मतलब समझते हैं क्या होता है? टोटल हिसाब का मतलब होता है कि जो मूलधन दिए थे वो और जो ब्याज बना वो पूरा हिसाब कर दो, ठीक है? तो जानते हो उस पूरे हिसाब को क्या कहते हैं? उस पूरे हिसाब को कहते हैं मिश्र धन, ठीक है? क्या कहते हैं? मिश्र धन, बात समझिए। और इसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, और अमाउंट को हम सूचित करेंगे ए से, ठीक है? और ये होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है? मतलब मूलधन जो था उसका जो ब्याज है उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है? तो एक बात आपको ये याद रखनी है, जहां जहां क्वेश्चन आएगा वहां वहां मैं आपको ये बात पूछूंगा और बताऊंगा, ठीक है? तो दो बातें, दो ही बात आपको याद रखनी है, ज्यादा प्रेशर सूत्र का नहीं लेना है, रूल्स का प्रेशर ज्यादा नहीं लेना है। रूल्स के प्रेशर की तरफ जाएंगे तो हजारों तरीके की रूल्स बुक्स में लिखे रहते हैं, उसकी तरफ फंसे रह जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन कभी डेवलप नहीं करेगा, आपका कॉन्सेप्ट कभी डेवलप नहीं करेगा, ठीक है? इसलिए रूल्स के तरफ ना जाकर, हाँ जो चीजें फैक्ट है, जो चीजें है, जिसको जो बेसिक है उसको समझ लीजिए और अपने तरीके से क्वेश्चन को डील करिए, यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, है कि? तो बात कर ली एसआई कैसे निकालना है, तो जो मूलधन रहेगा, जो रेट रहेगा, जो समय रहेगा, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है तीनों को, ठीक है? मूलधन का इतना दर एक साल का, दो साल का रहेगा दो से गुना कर देना, तीन साल का रहेगा तीन से गुना कर देगा, एक साथ बैठाना है, काम कंप्लीट कर देना है, ठीक है? ये क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब यहीं से बस इस सूत्र को याद रखिएगा, एसआई बराबर क्या होता है? पी गुने आर गुने टी बटे 100, ठीक है? अपॉन 100 ये आर का रहेगा, ठीक है? आप एक साथ भी 100 नीचे में कर सकते हैं। मिश्र धन का मतलब बस याद रखिएगा कि टोटल हिसाब, टोटल हिसाब का मतलब मूलधन और ब्याज दोनों का हिसाब, ठीक है? मूलधन और ब्याज दोनों का हिसाब है कि? अब आइए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत लाजमी है, क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं पढ़, आप जो है सो आंसर नहीं समझेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। चलिए निकालू मैं एक बार, ठीक, चलिए आ गया एक्सरसाइज। डॉक्टर बी एन गुप्ता की ये बुक है और आज मैं एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको मैं करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है? 6.4% वार्षिक ब्याज की दर से 1268 रुपया का 219 दिन का ब्याज ज्ञात करना। कितने दिन का ब्याज ज्ञात करना है? 219 दिन का, ठीक है? बहुत सिंपल है, मैं सेट कर देता हूं, आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है? बहुत सिंपल है, आपने उधार कितने पैसे दिए, रेट देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, रेट है 6.1/4%। क्या रहे बच्चों, इसको कैसे लिखोगे? 6×24=25/4%, ठीक है? ये रेट हो गया। उसके बाद आपके पास जो प्रिंसिपल है वो है 1268 रुपया का प्रिंसिपल है, मतलब यह है कि ये पैसा उधार दिया गया था। अब आपके पास जो समय है वो 219 दिन का समय है, अब ध्यान से देखना, ये डेज में है, ठीक है? और मैंने आपको बताया और ये पर एनम है, ये पर एनम है और ये डेज में है, तो इसको पर एनम के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो किसी भी दिन को साल में बदलने के लिए हम लोग 365 से भाग करेंगे, ठीक है? 12 से तब करेंगे जब मंथ में रहेगा, है ना? बहुत आसान। एसआई बराबर क्या होगा? एसआई बराबर होगा 1268, सबसे पहले इसका तरीका लिख दीजिए, पी गुने आर भागे 100 और गुने टी। अब यहाँ जो टी डे में है, हमको 365 से भाग लगाना पड़ जाएगा। क्यों लगाना पड़ जाएगा? क्योंकि डे में है, ठीक है? तो 1268 गुने रेट को कैसे बैठाएंगे? 25/4, ये तो ऑलरेडी है भागे 4, और ये जो 100 नीचे में है इसके गुने में, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को लिख देना है, 219 को यहाँ लिख देना है और 365 को यहाँ लिख देना है, ठीक है? बहुत आसान है, ध्यान से देखना, ठीक है? अब इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है? 47.55 है ना, रुपये के रूप में आएगा ये आंसर, ठीक है? 47.55, ठीक है? बस इसको कैलकुलेट करिए, इसका आंसर निकाल लीजिए, है कि नहीं? तो बहुत आसान, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है?
₹890 का 2 वर्ष के लिए इतना परसेंट की ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताना है। आप भी बना सकते हैं, पी बराबर ₹890 है, आर बराबर टी बराबर जो है वो 2 ईयर्स है। अच्छा, वर्ष में है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो रेट है वो है 2/2 इतना परसेंट पर एनम के हिसाब से, ठीक है, पर एनम के हिसाब से। आपसे ऐसा ही पूछा है, बस ऐसा ही का रूल आप लगा दीजिए, ऐसा ही बराबर पी इंटू रेट को कैसे लिखिएगा, 2 × 4 = 5/2%, 5/2, और इस परसेंट को नीचे में तोड़ के लिखिएगा वो 100 आएगा। और यहाँ पर जो समय है प्यारे बच्चों, ये ईयर में है, ये भी ईयर में है, रेट हमेशा सालाना होता है, और सालाना को साल से गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक साल का हो गया ये, 2 साल का बस सिंपल गुना कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें 365 या 12 मत कर दीजिएगा, है कि नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट जैसे ही करिएगा, ठीक है, और आपको आंसर आएगा ₹44.50, ठीक है, इतना आंसर आएगा, राइट ना। आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन से बचेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, अच्छी बात होगी, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं, है कि नहीं, ये बात समझ में आ गई। 2 क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ₹300 का 7% ब्याज की दर से 14% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है। आपके पास जो पी है वो है 300, जो आपके पास टाइम है वो 7 ईयर है, ठीक है, और उसके बाद जो रेट है आपका वो है 14%, ठीक है, पर एनम। ये ध्यान में रखिएगा कि ये सालाना है, ठीक है, और ये टाइम भी साल के रूप में, हमको कोई दिक्कत नहीं, वो सिंपली बैठा देना। ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, पी गुने आर गुने टी, यहाँ 100 डालेंगे, राइट ना। अब नीचे में कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर 7 ईयर्स है, ये 1 साल और 7 साल सीधे गुना करेंगे, ठीक है। 300 गुने रेट कितना है, 14/2, ठीक है, 100, और गुने टाइम कितना है, 7 ईयर। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करने पर जो आंसर आपके पास आएगा 294। दैट क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन सब था, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। आप वीडियो को पॉज करिए, इसको कैलकुलेट करके दिखाइए, ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपके पास 10,824 रुपया है 8 महीने के लिए। अब ध्यान से देखना, ये 8 महीना है, ठीक है, समय को देखना है, ये 8 महीना है, 10,824, और टाइम जो है वो 8 मंथ में है। तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हमको 8 महीने की जगह पर 8/12 रखना होगा, और जो आपके पास रेट है वो है 7.75% है प्यारे बच्चों। अब इसका ऐसा ही निकालना है, बहुत आसान होगा हमारे लिए। 10,824 गुने रेट कितना होगा, इतना भागे 100, राइट ना, है ना, गुने 8/12, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पॉइंट उड़ा लेना, नीचे में 100 आ जाएगा। कैलकुलेट जैसे ही करोगे, इसका आंसर होगा ₹569.24, ठीक है, इज दैट क्लियर, ये आंसर आपका, ये क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टफ कुछ नहीं होता है, बस बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें अगर हमको पता है, हमको मालूम है, तो वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है, जिन चीजों के बारे में हम समझते हैं कि वो हमारे लिए टफ है, ठीक है, क्लियर हो गया। पी मैंने रखा, पी के जगह पर रेट मैंने रखा, जो समय है उसको मैंने रखा, इसको कैलकुलेट करा, इतना आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ये ऐसा ही निकालने का कुछ क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 तक क्वेश्चन आपका है, जो ऐसा ही निकालने के लिए था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहता है, पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहता है कि भाई 3% वार्षिक ब्याज की दर से ₹570 का, मतलब इतना रुपया उधार दिया होगा, उसी का हिसाब खोज रहा है, ठीक है, ₹570 का इतना वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, और मिश्र धन कितना है। अब देखो मिश्र धन कितना है, मैंने कहा था मिश्र धन का मतलब याद रखना, मिश्र धन का मतलब होता है कुल हिसाब, कुल हिसाब का मतलब मूलधन और ब्याज
दोनों, ठीक है, मूलधन और ब्याज दोनों। अब दिमाग में ये सेट मत करने लगा किसका रूल होता है, ठीक है, इसका रूल क्या है, इसका सूत्र आप लिखा दो सर, ठीक है, कोई सूत्र नहीं होता है, मूलधन और ब्याज मैं कह रहा हूँ मूलधन और ब्याज दोनों, अब ब्याज निकालो मूलधन में ऐड कर दो, वही मिश्रधन है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहली बात यह है आपके पास क्या है, आपके पास रेट दिया हुआ है 3%, 3% पर एनम। फिर उसके बाद आपके पास जो मूलधन है, जो समय है वो 570 रुपया का है, और जो आपके पास टाइम है वो है 2/1/2, ठीक है, वर्ष, अच्छी बात है वर्ष में दिया, अच्छा इसको तोड़ के आप लिख लो 2×4=5/2 ईयर्स, ठीक है, हो गया क्लियर। अब आपके पास आपसे पूछा क्या है कि पहले तो ऐसा ही बताओ, आपसे पूछा है कि ऐसा ही बताओ, ठीक है, फिर आपसे पूछा है अमाउंट बताओ, मूलधन बताओ, ठीक है, तो पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं, सोचना है मूलधन का मतलब टोटल हिसाब, मिश्रधन का मतलब कुल हिसाब, और कुल हिसाब कैसे करेंगे, मूलधन जो है उसका ब्याज जो आएगा दोनों को हिसाब करके दे देंगे, बात खत्म। जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही निकाल लेते हैं, ऐसा ही निकालने के लिए हमें 570 गुने जो रेट है 3/100 गुने जो समय है वो 5/2 उसको रख देना, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप क्या करो इससे इसको काट दो, ठीक है ना, और 5×10 काट दो, ये आ गया आपके पास, नीचे में 4 है अब नहीं कटेगा, इसको कैलकुलेट करो 7×3=21, ठीक है, 3×5=15 और 2×15=17 2×4, ठीक है, 2×2=4। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 1/7, 4 से डिवाइड करिएगा 4×16 है ना, 1 1, ठीक है, 4×8 3 1, 7×28 2 0 है ना, इतना राइट ना, क्लियर हो गया। तो 42.75 रुपये का आपका ब्याज है, ठीक है, 42.75 रुपये मतलब टोटल इतना रुपये के रूप में लिखिए, ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आ गया, क्लियर हो गया, एक आंसर मेरा आ गया। हमसे पूछा है टोटल हिसाब बताओ, मिश्रधन बताओ, मिश्रधन का क्या मतलब होता है, कुल हिसाब बताओ, ठीक है, अब कुल हिसाब का क्या मतलब होता है मैंने आपको बताया, ये बहुत टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चों, बहुत टेंशन लेके काम करोगे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। मिश्रधन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मिश्रधन का मतलब बताया पूरा हिसाब, टोटल हिसाब, ठीक है, टोटल हिसाब का मतलब मूलधन और ब्याज दोनों का हिसाब कर दीजिए, ठीक है, पूरा हिसाब क्लियर कर दीजिए। पूरा हिसाब क्लियर कैसे करिएगा, तो जो दिया था वो भी लौटा दीजिए, जो ब्याज था वो भी लौटा दीजिए, ठीक है, तो इसको कहेंगे मिश्रधन मतलब अमाउंट, ठीक है, अब 570 में इसको जरा ऐड कर दीजिए, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना, इतना रुपया, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 285 रुपया पर है ना, 2.25 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा मिश्रधन, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मिश्रधन बताना है, बहुत आसान है, वही क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है ना, उसी तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है, आप चाहे तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, एक बात करिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन आपके सामने है, आप फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, फिर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास पी दिया हुआ है 285 रुपया, कह रहे बच्चों 285 रुपया पी है, जो रेट है वो है 3%, मतलब 285 का 3% 1 साल का ब्याज होता है, और जो समय है आपके पास है वो क्या है, जो टाइम आपके पास दिया हुआ है 2×1/2 वर्ष है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये सब चीजें, आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है SI, SI का मतलब क्या होता है, SI का मतलब होता है P×R×T है ना, / 100, अगर T समय वर्ष में ना होकर मंथ में रहेगा तो हमें 12 से डिवाइड करना है, लेकिन ये वर्ष में है, टेंशन फ्री है, बहुत आसान है। अब इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, 2×4=5/2 लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ देखिएगा पी कितना है, 285 रुपया है प्यारे बच्चों, आर कितना है 3/100 है, और समय कितना है 5/2 है, ठीक है। अब चूंकि आप काट नहीं सकते, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसा करते हैं सबको गुना कर देते हैं, फिर ये नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे, तो सबसे पहले आप गुना कर लीजिए, 285 को 3 से गुना करिए, ठीक है,
है ना, 285 को 3 से गुना करिएगा तो 5 या 15, 8 त्रिक 24 एक 25, 3 दुना 6 दो 8 होगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर ले 5 25 5 25 दो 27 और 8 5 40 और 2 42 ठीक है। और फिर ये नीचे में 200 है, इससे आप डिवाइड कर दीजिए ठीक है, 200 से जब सी डिवाइड करेंगे 200 ठीक है तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए भाग लगा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 दुना 400 आ गया, ये 7 आ गया, ये 2 आ गया, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो फिर 200 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, पॉइंट उठाइएगा यहाँ पर 0 बैठाइएगा, 3 दुना 600 से भाग लगा दीजिए ठीक है, 600 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 दुना 14 लगा दीजिए, मतलब ये है कि अब नहीं कटेगा ठीक है। तो आप यहाँ पर 22.67 आप रख लीजिए आंसर के रूप में ठीक है, जहां तक कट रहा है काट दीजिए, जहां नहीं कट रहा है आप छोड़ दीजिए, दो पॉइंट तक एटलीस्ट आप निकालेंगे उसके बाद इसे छोड़ देंगे ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं आ रहा है भाई, कैलकुलेशन देखते हैं फिर से कहीं गड़बड़ा गया ठीक है। 285 के रेट है, अच्छा 285 समय है ठीक ठीक सब कुछ ठीक, चलिए कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार, 5 या 15, 8 3 24 1 25, 3 2 6 2 8 ठीक है, 5 या 15, 5 25 2 1 26, अच्छा यहाँ पर 6, अच्छा ठीक है, था 8 5 40 7 2 42, ये भी ठीक है यार ठीक, तो 2 4 400 अच्छा 2 1 200 होना था ना यार, 2 1 200 75, 3 2 600, 7 9 14, इतना 21.37 ठीक है। तो 21.37 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे जाओगे तो बढ़ेगा तो आप लिख देना ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और देखिए ठीक है, अब यहाँ एक और जीरो बैठाएंगे तो हाँ ना 4 times लग जाएगा, 5 times लग जाएगा ठीक है। तो आप इतना को क्या लिख सकते हो, आप इतना को लिख सकते हो 21.38 लिख सकते हो, 5 या 5 से ज्यादा बढ़े तो आप एक इसको दे सकते हो ठीक है, है ना, पॉइंट में एक आध पॉइंट का फर्क चलता है। तो यहाँ पर आपका ब्याज आ गया, इतना आपका ब्याज है ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफर आ गया था ठीक है, होता है कैलकुलेशन में तो परेशानी हो ही जाती है, हो गया क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, ऐसा ही आपका क्या आ गया, इतना आ गया ऐसा ही के रूप में आपको इतना आ गया। अब आपको निकालना है मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब टोटल हिसाब, कुल हिसाब निकालना है बच्चों, और कुल हिसाब को हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं ठीक है, कुल हिसाब को हम लोग अमाउंट कहते हैं, अमाउंट का मतलब है मूलधन और ब्याज का टोटल हिसाब, तो मूलधन और ब्याज का टोटल हिसाब इतना रहा। पॉइंट का जोड़ आप सब सीख लीजिए, पॉइंट का जोड़ कैसे करते हैं, 285 है, 0.00 बैठा लीजिएगा अपने मन से जितना पॉइंट उधर रहेगा ठीक है, और ऐसे इधर से सेटिंग करिएगा ठीक है इतना, और पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, 1 रखिएगा 2 रखिएगा, यहाँ पर 3 8 आएगा, और सीरियल से इधर से सेट करना है ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आएगा 6 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा 3 ठीक है, 306.38 ठीक है, टोटल हिसाब आपका है, कुल हिसाब आपका हो गया 306.38 क्लियर। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छी क्वेश्चन सब है और बहुत आसान क्वेश्चन सब है ठीक है राइट। चलिए तो 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस वीडियो में, हमने इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड मैंने 6 क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन सब आएंगे टोटल कुल मिलाते इस चैप्टर में प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, 37 क्वेश्चन है ठीक है, 37 क्वेश्चन, तो 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा, समझ में आई कि नहीं आई, कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं ये बात हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, कोई दिक्कत होगी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप प्रैक्टिस करिए ठीक है, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, ये बात हमेशा दिमाग में रखिए, बाय बाय।